कोलारस से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव से आगामी विधानसभा चुनाव के विषय पर हमारे खास संवाददाता ने खास चर्चा की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार सघन जनसंपर्क विधानसभाओं में जारी है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कोलारस विधानसभा के रन्नौद में हम इस वक्त मौजूद हैं। आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का जनसंपर्क यहां पर है। इसी क्रम में हमारे साथ भाजपा से उम्मीदवार महेंद्र सिंह यादव मौजूद हैं, उनसे चुनावी चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र भाई। नमस्कार। समाचार में प्रहलाद पटेल जी का आज दौरा है, जनसंपर्क जारी है, लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या कुछ देखने और सुनने को मिल रहा है? देखिए, क्षेत्र में तो हम लोग लगातार 5 साल से काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता 5 साल निरंतर काम करता है और पार्टी भी जो है निरंतर गरीब के हित में काम अच्छे निर्णय ले रही है। जो अंतिम छोर का गरीब व्यक्ति बैठा है उसके लिए हर जरूरत की सुविधा जुटाने में लगी हुई है। आज उसी का परिणाम है कि हर जगह सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक चुनाव की बात है तो निश्चित तौर से सब लोग अपना अपना चुनाव कैंपियन करते हैं। उसी के तहत आज हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी भी आ रहे हैं, प्रीतम सिंह लोधी जी भी आ रहे हैं और सब लोग जो है यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीते और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने। भाई साहब, कोलारस विधानसभा में यादव बाहुल क्षेत्र बहुत अत्यधिक माना जाता है, इसी में कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी यादव समाज से ही उतारा है, क्या चुनौती मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, जातिवाद से चुनाव नहीं होता है। अगर मैं संख्या की बात करूं तो 2,40,000 वोट यहाँ वोटर्स हैं, जिसमें 30,000 के लगभग वोटर यादव है, 2,10,000 वोट जो है अन्य समाज का है। तो क्या अकेला एक समाज कोई निर्णय कर सकता है? निर्णय तो सब जनता, जब सब समाज वोट देती है जब ही चुनाव का निर्णय होता है। अगर एक समाज से कोई बनता होता तो फिर सब लोग ही बन जाते हैं। अरे, इसमें समाज नहीं होता, इसमें होता है विकास की बात, इसमें होता है लोगों की जो सुरक्षा की बात, लोगों की स्वास्थ्य की बात, लोगों की शिक्षा की बात, लोगों को रहने के लिए आवास, लोगों के लिए कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर चूल्हा, आज आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना, बच्चियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, ये सबसे वोट मिलता है। समाज ठीक है, समाज अपना काम करता है, लेकिन उसके अलावा सब समाज का वोट चाहिए। 3 तारीख को क्या लगता है भाई साहब मध्य प्रदेश की विधानसभाओं का रिजल्ट और मध्य प्रदेश में सरकार का आकलन? देखिए, मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी और कार्यकर्ता हूँ तो मैं कोई भी बात ऐसी रखूंगा तो शायद आपको भी लगे कि ये ऐसी बात कर रहे हैं। लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना और जो भी गरीबों के हित की जो काम किए हैं उनका इतना व्यापक असर है कि ग्वालियर संभाग में 34 में से कितना 30 सीटें आएंगी। अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा होगी बहना क्या करने वाली हैं। बहनों के मन में जो है पूर्ण तरह बीजेपी में वोट देने का मन में बसाए हुए हैं, वो इंतजार कर रही हैं। ये हमारे लिए जो मामा ये योजना लाए हैं आज 1,250 मिल रहे हैं और ये 3,000 होने वाला है। तो वो तो ये कह रही 17 तारीख आके वोट डाल के जो है जल्द से जल्द जो है फूल में वोट डालना चाहती हैं। और जब वो महिलाएं अकेली महिलाएं जो है आधी महिलाएं होती हैं आधी पुरुष होती हैं, सरकार बनाने के लिए महिलाएं काफी हैं, पुरुषों का तो एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इसलिए सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनी। जो योजनाएं चालू हुई हैं चुनावी दौर में, इसमें कांग्रेस ने भी अपना वो दिया है कि वो भी 1500 करेंगे, 3000 करेंगे, जो 1000 से शुरुआत हुई थी उस पर आप क्या कहेंगे? क्या योजना चालू हुई है अभी? आप अगर बात करें किसान सम्मान निधि की, कब से चल रही है? आप बात करें आवास की तो कब से चल रही है? आप बात करें आयुष्मान कार्ड की तो कब से आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं? आप बात करें शिक्षा की तो कब से शिक्षा के लिए दिन रात बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रही है सरकारें? तो शौचालय के लिए, गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के लिए, क्या आज बना दी गई योजनाएं? ये योजना को लगातार 9 साल से केंद्र की सरकार और 19 साल से भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार लगी हुई है, तब जा करके इस मुकाम पर पहुंचे। क्या आज बन गई क्या ये योजना? ये तो लगे ही हुए हैं और चल ही रहा है काम। तो ये थे हमारे साथ भाजपा से उम्मीदवार कोलारस विधानसभा से महेंद्र सिंह यादव जी, जिन्होंने कहा कि बढ़ चढ़कर बीजेपी अपना 3 तारीख को रखेगी।